नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा की अपकमिंग XUV700 के बारे में। गाड़ी मार्केट में आके कॉम्पीट करने वाली है MG हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और ह्यूंडई की अपकमिंग अल्काज़र जैसी SUV के साथ। गाड़ी की लॉन्चिंग डेट COVID-19 क्राइसिस की वजह से काफ़ी पीछे चली गई है। अब हम आपको इसकी कोई कन्फर्मेशन डेट बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी COVID-19 की सिचुएशन पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी या फिर कंट्रोल में आएगी, तभी से गाड़ी की लॉन्चिंग जो है वो शुरू हो सकती हैं। अब आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी नई XUV700 के डीजल इंजन में 3 ट्यूनिंग्स की टेस्टिंग कर रही हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने डीजल इंजन पे 180 VSP, 190 VSP एंड 210 VSP की ट्यून्स के ऊपर टेस्ट कर रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी नई XUV700 के ऊपर कौन सी ट्यून की गई इंजन लगाएगी, इसी के लिए वो टेस्टिंग्स जो है वो कर रही हैं। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो 180 VSP की ही डीजल इंजन को ऑफर में लाए और 210 VSP की इंजन को वो पीछे के लिए रख दे, जैसे कि नेक्स्ट फेसलिफ्ट वर्जन के लिए वो रख सकते हैं, या फिर XUV900 जो कि कूपे वर्जन रहेगी उसके लिए वो 210 VSP की इंजन को रख सकते हैं। XUV700 में हमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों वेरियंट्स देखने को मिल सकती हैं। 2 लीटर की एम्स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकती है जो कि लगभग 190 VSP की पावर प्रोड्यूस कर सकती है, और 2.2 लीटर की एमहॉक डीजल इंजन आ सकती है XUV700 में, जो कि शायद से पावर जनरेट करके देगी 130 VSP की। और ये इंजन अभी के लिए सेकेंड जनरेशन था के ऊपर भी लगी हुई है, और ये दोनों इंजन हमें शायद से 6 स्पीड के मैनुअल और 6 स्पीड के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ हाई स्पेक वेरिएंट्स में हमें वो ऑप्शन देखने को मिलेगी। गाड़ी की सेगमेंट लेडिंग फीचर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाड़ी की डीजल वर्जन ज़्यादा ध्यान रखेगी अपनी ड्राइवेबिलिटी एंड रिफाइनमेंट के ऊपर, और नई महिंद्रा XUV700 में हमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम देखने को मिल सकती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ADAS करके पुकार सकते हैं, जो आएगी अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, पैरेलल पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ। अगर आप गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में जानना चाहते हैं, गाड़ी की और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो में अपलोड की गई पहली वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने वहाँ पर गाड़ी की डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा बातें की हैं। ये वीडियो सिर्फ गाड़ी की इंजन ऑप्शंस के ऊपर ही बेस्ड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज़ के जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।